हेलो गाइस, दिस इज नकीब शिनवारी एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि सैमसंग के ए सीरीज़ के ऊपर जो है ना क्या टैक्स होने वाला है। गाइस, काफ़ी लोगों ने जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज किया था और पूछा था कि 51 का टैक्स बताएं, 52 का टैक्स बताएं। तो गाइस, मैं रिप्लाई तो कर लेता था, लेकिन पीछे से 10-12 कमेंट जो है ना सेम उसी तरह के आ जाते थे। तो मैंने बोला एक ही दफ़ा मैं वीडियो बना के जो है ना आपके सामने ले आऊं। ऐसे गाइस, टैक्सेस तो ऑलरेडी ज़्यादा कर दिए हैं, लेकिन फरवरी 2023 में जैसे न्यू बजट आया है, टैक्सेस और इंक्रीज़ कर दिए हैं। मतलब आम बंदे के लिए अगर पीटी अप्रूव करवाना हो तो समझो जितने का फ़ोन होगा उतने का आपको जो है ना पीटीए का टैक्स भरना होगा। तो गाइज़ ये चीज़ें देख लें, अगर आप पीटीए का टैक्स भरना चाहते हैं तो गाइज़ न्यू मॉडल के टैक्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कोई पुराना मॉडल है, अगर आप उसका टैक्स भरना चाहते हैं तो उसका टैक्स कम है, लेकिन न्यू मॉडल के टैक्स ज़्यादा हैं। सबसे पहले सैमसंग A51 के टैक्स के ऊपर बात करेंगे। अगर आप पासपोर्ट पे अप्रूव करना चाहते हैं तो क्या टैक्स होने वाला है, और CNIC पे अप्रूव करवाते हैं तो क्या टैक्स होने वाला है। अगर आप पासपोर्ट पे अप्रूव करवाएंगे तो 39,000 का टैक्स है, और अगर आप CNIC पे अप्रूव करवाएंगे तो 49,000 का टैक्स है। गाइज, ये जो है ना 51 जो है ना अभी तकरीबन 2 साल पुराना मॉडल है। ये लॉन्च हुआ था तकरीबन 40,000 के करीब करीब लॉन्च हुआ था। अब टैक्स जो है ना समझो जितने का मोबाइल है उतने का टैक्स है। मोबाइल हो सकता है शायद कम हो पैसों में, लेकिन टैक्स उसका देख ले कितना ज़्यादा चल रहा है। इसी तरह से सैमसंग में A52 का भी टैक्स सेम है, 39,500 का टैक्स चल रहा है, और अगर आप ID कार्ड पे अप्रूव करवाना चाहते हैं तो 49,000 का टैक्स चल रहा है। इसके अलावा सैमसंग में A71 गाइज, इसका भी टैक्स सेम है, 39,500 का टैक्स है, अगर आप ID कार्ड पे अप्रूव करवाते हैं तो 49,000 का टैक्स चल रहा है। इसी तरह से सैमसंग में A52S के ऊपर बात करूंगा। अगर आप पासपोर्ट पे अप्रूव करवाते हैं 57,000 का टैक्स चल रहा है, और अगर आप ID कार्ड पे अप्रूव करवाना चाहते हैं तो 68,500 का टैक्स चल रहा है। गाइस, सैमसंग में A72 अगर आप पासपोर्ट पे अप्रूव करवाएंगे तो 39,500 का टैक्स चल रहा है, और इसी तरह से अगर आप CNIC पे अप्रूव करवाएंगे तो 49,000 का टैक्स चल रहा है। इसके अलावा गाइस, सैमसंग में A73 5G के ऊपर बात करेंगे। अगर आप पासपोर्ट पे अप्रूव करवाते हैं तो 52,500 का टैक्स चल रहा है। इसी तरह से अगर आप ID कार्ड पे अप्रूव करवाना चाहते हैं तो 63,500 का टैक्स चल रहा है। इसी तरह से सैमसंग में A53 अगर आप पासपोर्ट पे अप्रूव करवाते हैं तो 38,500 का टैक्स चल रहा है, और इसी तरह से अगर आप ID कार्ड पे अप्रूव करवाते हैं तो 43,500 का टैक्स चल रहा है। जब बात कर लेते हैं सैमसंग के उन मॉडल के ऊपर जो 50 से नीचे हैं, 50 से अबव नहीं है, तो गाइज़ अगर आप पीटीए का टैक्स भरना चाहते हैं तो क्या टैक्स होने वाला है। तो गाइज़ सैमसंग में A23 गाइज़ अगर आप पासपोर्ट पे अप्रूव करवाते हैं तो 17,500 का टैक्स चल रहा है, और इसी तरह से अगर आप CNIC पे अप्रूव करवाते हैं तो 20,500 का टैक्स चल रहा है, और इसी तरह सैमसंग में A13 गाइज़ अगर आप पीटीए अप्रूव करवाते हैं पासपोर्ट पर तो 17,500 का टैक्स चल रहा है, CNIC के ऊपर 25,500 का टैक्स चल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं सैमसंग में A33 अगर आप पासपोर्ट पे अप्रूव करवाना चाहते हैं तो 37,500 का टैक्स चल रहा है, और इसी तरह से अगर आप CNIC पे अप्रूव करवाना चाहते हैं तो 41,500 का टैक्स चल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं सैमसंग में A22 गाइज़ अगर आप पासपोर्ट पे अप्रूव करवाना चाहते हैं तो 15,500 का टैक्स है, और इसी तरह से अगर आप CNIC पे अप्रूव करवाना चाहते हैं तो 21,500 का टैक्स चल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं सैमसंग में अभी एक न्यू मॉडल आया है, सैमसंग में A04 गाइज़ अगर आप पासपोर्ट पे अप्रूव करवाते हैं तो 15,500 का टैक्स चल रहा है, और इसी तरह से अगर आप CNIC पे अप्रूव करवाते हैं तो 21,500 का टैक्स चल रहा है। टैक्सेस जो है ना पहले से इतने ज़्यादा थे, अभी जो है ना मज़ीद टैक्सेस जो है ना लगा दिए हैं PTA ने। तो गाइज़ गरीब बंदे के लिए जो है ना एक नॉर्मल फ़ोन बाय करना जो है ना बहुत उसके रेंज से बाहर कर दिया है। इस वक्त मार्केट में ये पोजीशन है, 20,000 रुपये वाला फ़ोन 40,000 रुपये में है, 40,000 वाला 50,000 रुपये में है। तो गाइज़ हर फोन पे जो है ना 10 से 15,000 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको सैमसंग गैलेक्सी S की सीरीज़ के ऊपर टैक्स का पूछना है कि इसका टैक्स क्या होने वाला है तो गाइज़ ये वाली वीडियो देख सकते हैं, बड़ी काम की वीडियो मैंने बनाई है। तो गाइज़ ओवरऑल वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई जहन में कोई सवाल, कोई कुछ भी आपके जहन में आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइज़ मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द जो है ना आपको उसका जवाब दे सकूं। गाइज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है ना आपको मिलते रहें। अब तक के लिए इतना ही, अपने दोस्त नकीब शिनवारी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।